तो भाई भूल भुलैया 3 ट्रेलर देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये मूवी भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 से कनेक्टेड नहीं है और इस मूवी की कुछ अलग ही स्टोरी होने वाली है। तो इस मूवी की क्या स्टोरी हो सकती है, तो ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कि इस मूवी की क्या स्टोरी हो सकती है। तो जैसे भूल भुलैया 2 में रू बाबा कीरा आडवाणी के चक्कर में आता है और एक तांत्रिक का ढोंग करता है, लेकिन इस बार इस मूवी में रू बाबा इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है। और तुम ये मजनू भाई का पेंटिंग भी देख सकते हो जिसे कॉमेडी के पर्पज से इसमें डाला गया, अब जो कि हर बार की तरह एक भूतिया महल तो होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि रू बाबा की एंट्री हो जाती है महल में, लेकिन तुम इस महल को ध्यान से देखना, इस महल पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और अब संजय मिश्रा, राजपाल यादव, अश्विनी भी रू बाबा के पीछे पीछे चुके से चले आते होंगे और जो कि ये जानते होंगे रू बाबा एक ढोंगी है और शायद बताने की भी कोशिश किए होंगे, लेकिन शायद इन्हें उल्टा इन्हें भी मार पड़ने लगी होगी और शायद रू बाबा के कहने पर उन्हें उसी महल में बंद कर देते होंगे। और अब हम विद्या बालन का सीन देखते हैं जिसमें वो अपने आप को मंजुलिका बोल रही है, और तुम इस सीन को भी देखना जो कि महल नहीं है, जो कि कोई अलग ही जगह लग रही है और रू बाबा जो दरवाजा तोड़ रहा है ये उसी जगह का है और यहाँ से कोई बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, शायद ये माधुरी दीक्षित ही है। और ये वाली जो सीन है जब माधुरी दीक्षित बाहर निकली हो या फिर यूँ समझो कि बाहर निकलने की खुशी में खुशी जाहिर कर रही हो, जो कि ये भी अपने आप को मंजुलिका ही कह रही है। और ट्रेलर के अगले सीन में और देखते हैं कि ये महल की तरफ जा रही है और किसी को मारते हुए भी जा रही है, और इतना कुछ देखने के बाद ये तो पता चल जाता है कि दोनों का भूत जो है अलग अलग जगह ही है, जो कि दोनों अलग अलग है। और जो कि भूल भुलैया 3 टीजर में भी देखा था कि विद्या बालन वाली मंजुलिका जो है वह इस महल में बंद है, और ये माधुरी दीक्षित वाली सीन ये दिखाती है कि ये महल के अंदर आ चुकी है। अब जो कि दोनों मंजुलिका बाहर आ चुकी है और दोनों में फाइट हो रही है, आखिर क्यों हो रही है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है कि इनका एक सिंहासन को लेकर लड़ाई चल रहा है। वैसे इनकी पास्ट में की गई एक डांस भी दिखाई गई है, हर बार की तरह मूवी थोड़ी पीछे जाएगी, आखिर इनके साथ क्या हुआ था और आखिर में ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए। देखो ट्रेलर देखे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई जा सकती क्योंकि हम एक सीन में देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रही होती है और एक सीन में देखते हैं कि जैसे एक दूसरे को जोक सुना के हंस रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो होगा तिपटी धिमरी का। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ट्रेलर के एक सीन में देखोगे कि कोई यहाँ एक डांस कर रहा है, आई थिंक अमी जे तोमार सॉन्ग पे ही डांस चल रही होगी, लेकिन इसमें कौन नाच रहा है ये नहीं दिख रहा और शायद ये तिपटी धिमरी हो सकती है। और इस सीन में हाथ में कोई चाकू लिया है और शायद तिपटी धिमरी ही हो क्योंकि जो हाथ में एक बड़ी अंगूठी है तुम इसे यहाँ भी देख सकते हो, और ये ऊपर से तिपटी धिमरी का खतरनाक लुक जो कि एंडिंग में हो सकता है। इतना कुछ देखने के बाद लग रहा है कि तिपटी धिमरी का कुछ बड़ा ही रोल होने वाला है और हो सकता है यहाँ तीसरी मंजुलिका यानी कोई भूत की एंट्री हो जो कि तिपटी धिमरी के शरीर में चली जाती हो। देखो मूवी इतनी सिंपल नहीं होने वाली, यानी कि सिर्फ मंजुलिका वसी मंजुलिका ही हो सकता है कि एक बीच में कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं 1 नवंबर को मूवी आ रही है तो आखिर मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा और तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा। हाँ हो सकता है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का भूतिया रोल तुम्हें क्या पता पसंद ना आया हो, लेकिन तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।